कुमारी चैनल, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैर से होंगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खास बात बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात जाननी कि बहुत सी गर्ल्स को नाइट क्रीम लगाने का बहुत ज़्यादा मतलब शौक भी होता है। कुछ लोगों को गोरा होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम नाइट क्रीम लगाए और बिल्कुल जल्दी से जल्दी गोरा हो जाए। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उसी मैडी कल जो टूपे आती है, बहुत ज़्यादा मैडी सल वाली जो टूपे आती हैं, मतलब नाइट क्रीमें जो आती है, उन क्रीमों के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करने वाली हूँ इस अपनी वीडियो में। ओके गाइस, सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नाइट क्रीम आती है जो कि कोई फेस को गोरा करने के लिए होती है, एंड कोई स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए होती है। काफ़ी ज़्यादा ये मेडिकल टूपे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैं। सो ये इससे भी कहीं ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी मार्केट में, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये सब फेस के लिए ही बनाई गई है। कोई झाई, दाग धब्बे एंड ब्लैक हैंड्स, पिम्पल्स, झाइयाँ, मतलब सब उन्हीं के लिए हैं। सो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इनके बारे में कि आपको इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। ओके गाइस, सो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये काफ़ी सारी क्रीमें आपको मैंने अभी दिखाई है। सो आप लोग देखिए इस वीडियो में, सो कितनी सारी ये क्रीमें हैं। सो गाइस, उनमें से एक ये है, मैं इसके ऊपर रिव्यू देती हूँ। इस क्रीम को आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये, इसको काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स लगाती है। सो मैं बता दूँ ये क्या करती है हमारे साथ, ये आपको इन्फॉर्मेशन जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके गाइस, सो गाइस, ये जो क्रीम होती है नाइट क्रीम, ये हमारी फेस की जो परत होती है उसको धीरे धीरे निकालती है, कमज़ोर करती है, हमारी स्किन को लूज़ करती जाती है, और फिर इससे हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। जो गर्ल्स इन जो ये क्रीम होती है नाइट क्रीम इनको लगाती है, सो उनको पता होगा कि उनकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है गाइस। ओके, उनकी स्किन जो सेंसिटिव हो जाती है, बिल्कुल रेडनेस आ जाती है। अगर आप इस क्रीम को छोड़ते हैं तो आपका फेस काला भी पड़ जाता है। वो इसी के कारण पड़ता है, क्योंकि हमारी जो फेस की लेयर होती है, परत होती है, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। ये ऊपर की परत को निकालते जाते और वो बहुत ज़्यादा पतली पड़ती जाती है। इससे हमारे फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है छोड़ने के बाद। सो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिए। इन मेडिकल टूपों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके गाइस, सो तभी आप लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आने वाले टाइम में आपका फेस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा गाइस। सो आप ये गलती भूल के भी ना करें। ओके गाइस, सो चलिए इसके बेनिफिट के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारे फेस को फ़ायदा करती है या नहीं। ओके गाइस, सो ये हमारे फेस को गोरा बनाती है, ये सच है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फेस की जो परत होती है, लेयर होती है, उसको निकालती है। तो फिर जो हमारा फेस अंदर से निकलता है वो थोड़ा आपको ग्लोई दिखता है, सुंदर दिखता है, बट वो रियलिटी में सुंदर नहीं होता है, क्योंकि हम उसको प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे फेस के लिए सही नहीं है। सो आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको इसे इस्तेमाल करना कैसे है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स या डार्क स्पॉट्स के निशान है, या कोई भी काले आपके फेस पे निशान है, तो आप इन क्रीमों को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके फेस पे कोई भी निशान, किसी भी चीज़ का निशान नहीं है, आपका फेस सांवला है, बिल्कुल क्लीन है, तो आप बिल्कुल भी इन क्रीमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हानिकारक है। ये आपके फेस के सिर्फ और सिर्फ
डार्क स्पॉट एंड आपके कोई भी किसी भी चीज़ के निशान है तो उनको कम करने में सही रहती है कोई भी मेडिसल टूप हो। बट आप गोरा होने के लिए बिल्कुल भी ये क्रीम ना लगाए, ओके गाइस, नहीं तो आपका फेस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और इसी क्रीम के कारण आपके फेस पे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि फेस पे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, ओके गाइस। सो आपको इसे अवॉइड करना है, इनको नहीं लगाना है। घरेलू बहुत सारे उपचार हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए अगर आपको गोरा ही होना है तो। आयुर्वेदिक चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है धीरे धीरे, बट ये चीज़ें आपका तुरंत से रिजल्ट देती है, बट बाद में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा, ओके गाइस। सो आप इन चीज़ों को अवॉइड करके आयुर्वेदिक चीज़ें अपना सकते हैं, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं बट बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं और आपके फेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके गाइस। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या आप इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर नहीं जानते थे तो वो भी बता देना। और इसकी अगर और भी अच्छी अच्छी डिटेल्स आपको चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।